हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंसेस एवरीवेयर क्लास टेंथ कैसे हो आप सभी तो आई होप सो बच्चों आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चैप्टर शुरू किया था हमने बात की थी अ केमिकल रिएक्शंस वटा केमिकल चेंजेस हमने ये देखा था हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस केमिकल इक्वेश एंड हम एक केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन क्या होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कुछ रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं अच्छा ये मैं आपको पहले बता दूं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्ट करने का मतलब होता है फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ठीक है फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अब ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे अभी के लिए आप ये समझो कि कुछ बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं कुछ ब्रेक हो रहे हैं एंड फाइनली रिएक्टेंट्स आफ्टर हैविंग रिएक्टेड आर गेटिंग कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स ये होता है केमिकल रिएक्शन अब हमें जानना ये जरूरी है कि वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ओके तो नंबर वन वी स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नाउ वॉट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोर्ड ने बहुत बार ये डेफिनेशन पूछी है आपको आनी चाहिए इनफैक्ट जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर द रिएशन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कम्बाइंड टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट यानी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलो एग्जांपल्स देखते हैं फिर आपको और अच्छा समझ में आएगा फॉर एग्जांपल दिस जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आप देखो रिएक्टेंट्स कितने हैं पहला रिएक्टेंट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा रिएक्टेंट हो गया वॉटर तो दो रिएक्टेंट हो गए ना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द प्रोडक्ट और सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है ना राइट हैंड साइड पे तो वेन टू और मोर यहाँ पे तो चलो दो रिएक्टेंट से बढ़िया है अगर ज़्यादा भी होते मिनिमम टू तो होने ही चाहिए टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आई अब ये हो गई आपकी वर्ड इक्वेशन इसी इक्वेशन को अगर हमें केमिकल uh, फॉर्मूलाज में यानी केमिकल इक्वेशन में बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं ऐसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड की जगह हम लिख देंगे सी ए ओ कैल्शियम सी ए ऑक्साइड फॉर ओ हालांकि ऐसे नहीं लिखते वी डू द क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस मेथड दैट इज यहाँ पे वैलेंसी लिख के हम क्रॉस कर देते हैं अगर आपको वो मेथड नहीं आता फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिख देना आई एल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट वाटर का फॉर्मूला हमें पता है एच टू ओ एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है सी ए ओ एच होल्डवाइस ये आपको रटने की जरूरत नहीं है आप कैल्शियम का सिंबल लिखिए हाइड्रोक्साइड का सिम्बल ओ एच लिखिए इन दोनों की वैलेंसीज लिखिए आपस में क्रिस कर दीजिए नाइन्थ क्लास में हम सीखते हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूले ठीक है एंड साथ में हीट एनर्जी रिलीज भी होती है तो दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट इट इज जस्ट एनर्जी विच इज लिबरेटिंग विच इज बिंग रिलीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अच्छा अब कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है बच्चे क्विक लाइम क्विक लाइम इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम है क्विक लाइम उसी का कॉमन नेम है यानी आम भाषा में जो हम बोलते हैं अच्छा फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है स्लेक्ड लाइम स्लेक्ड लाइम यहाँ पे इसे लाइम वाटर भी कह देते हो ठीक है नींबू पानी स्लेक्ड लाइम ठीक है केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कॉमन नेम स्लेग्ड लाइम है ओके okay, अच्छा अब एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड ने कि जो कैल क्विक लाइम है यानी सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड इसका यूज़ क्या है इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ सीमेंट इट इज़ यूज इन द मनुफैक्चर ऑफ सीमेंट कैल्शियम ऑक्साइड का ये यूज़ है अच्छा अब स्लेग लाइम का क्या यूज है स्लेग लाइम इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स यानी जब आ, जो हमारी घर की दीवारें होती हैं जब उसे वाइट वॉशिंग की जाती है उनकी तो कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है स्लेक्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वी कैन से सी ए ओ एच होल्डवाइस ओके अब अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड uh, ही क्यों यूज़ किया जाता है उसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ना हवा में सी ओ टू है बहुत सारी तो जब स्लेग लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बन जाता है एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है दीवारों पे। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए सी ए सी ओ थ्री सी ए सी ओ थ्री इज़ फॉर्म्ड ऑन द वॉल्स आफ्टर टू टू थ्री डेज ऑफ वाइट वॉशिंग एंड ये जो वॉल्स पे दो दिन दो तीन दिन बाद शाइनी जो फिनिश आ जाती है ना शाइनी अपीयरेंस आ जाती है वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से आती है कैल्शियम कार्बोनेट इज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग शाइनी फिनिश टू द वॉल्स एम आई क्लियर ओके नाउ एक और क्वेश्चन बोर्ड्स का फेवरेट ही है मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो भी हमने देखा ये जो बन जाता है इट एग्जिस्ट इन हाउ मेनी फॉर्म्स वी सी इन डेली लाइफ मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है चौक में कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये तीन सोर्सेज हैं कैल्शियम कार्बोनेट के या इनके अंदर मेजर कॉम्पोजिशन इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है ये यहाँ से यहाँ तक इज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाकी सारा इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन चलिए दूसरा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं इट इज़ बर्निंग ऑफ कोल कोल का जलना ऑब्वियसली कोल इज़ कार्बन कार्बन ओ के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है सी सो दिस इज टू और टू रिएक्टेंट्स कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट ठीक है अच्छा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट्स मेंशनड है ना उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं हम टोटल सिक्स रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं उसमें से पहला भी हमने स्टार्ट किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन सभी रिएक्शंस के आपको एग्जांपल्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए कौन कौन से हैं उनकी वर्ड इक्वेशंस केमिकल इक्वेशंस सब कुछ कॉमन नेम्स यूजेस सब जो जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं क्या क्या है वो सब आपको पता होना चाहिए लिखना आना चाहिए इस फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए इस फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए ओके एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे जैसे कि आपको फिजिकल स्टेट्स मैंशन की हुई है ना एस यानी सॉलिड लिक्विड एक्वस फॉर्म ये आप जब एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको लिखने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है आप सिंपल लिख दो सी ए ओ प्लस एच टू ओ गिवस सी एच होल्डवाइस गिव्स की जगह एरो तो लिखोगे ऑब्वियसली बट ये फिजिकल स्टेट्स आपको मेंशन नहीं करने की जरूरत है अनलेस एंड अल्टिल क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली कहा गया है दैट यू हैव टू मेंशन द फिजिकल स्टेट्स देन यू मेंशन ओके ओके नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एच टू एन ओ टू जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन करती है तो पानी बन जाता है अगेन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब हम आ जाते हैं वॉट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स जब बनते हैं साथ में हीट भी क्या होती है रिलीज होती है क्या होती है रिलीज होती है आइए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कुछ कुछ एक तो एग्ज़ाम्पल हमने जो ऊपर पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जिसमें क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेग लाइम बना रहा है उसमें आपने ऊपर भी देखा था ना हीट रिलीज़ हो रही है ये देखो हीट रिलीज़ हो रही है ना क्योंकि हीट रिलीज़ हो रही है प्रोडक्ट्स के साथ इसीलिए दिस एग्ज़ाम्पल इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एग्जोथामिक रिएक्शन इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं जैसे यही वाला जो एग्जांपल है इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिएक्शन आल्सो आल्सो इट इज एन एक्सोथर्मिक है ना दो दो तरह की रिएक्शन हो गया ना ये सिंगल रिएक्शन तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हम आगे भी देखेंगे चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यू नो दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको क्या लग रहा है बर्न हो रही है नेचुरल गैस तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा आप हीट दे रहे हो नहीं यही कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड ने पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल सीजन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको याद करो आप पेपर में पक्का एंडोथर्मिक लिख के आओगे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज़ एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन और इसकी आपको ये इक्वेशन भी वैसे पता ही होनी चाहिए वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं बट ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस नेचुरल गैस मतलब ये सी एच फोर इसका नाम होता है नेचुरल गैस बर्निंग मतलब ओ टू के साथ रिएक्शन होना ऑक्सीजन गैस के साथ फिर सी ओ टू बन रहा है वाटर बन रहा है वैसे तो रिएक्शन काफ़ी बच्चों को पता होता है लेकिन बोर्ड कभी ये पूछता नहीं है बट ये पता होना चाहिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस अगर वो एग्जाम्पल पूछे और फोर्थ एग्जाम्पल कैन बी रेस्पिरेशन यस रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट विद ओ टू टू फॉर्म सीओ टू प्लस एच टू प्लस एनर्जी एनर्जी इज बिंग रिलीज अलॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फाइनली द लास्ट एग्जाम्पल इज द डी कम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कम्पोस्ट ये वाला एग्जाम्पल भी अभी पिछले जो बैच हुआ है ना बच्चों का उसके अंदर बोर्ड्स ने क्वेश्चन टर्म वन में पूछा है द डी कम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कम्पोस्ट इज़ विस टाइप ऑफ रिएक्शन एग्जोथर्मिक रिएक्शन याद रखो एक बर्निंग ऑफ नैचुरल गैस बच्चे भूल जाते हैं और ये डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर बच्चे ना भूल जाते हैं बिकॉज आगे चल के हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन अलग है

हालांकि आपकी एनसीआर के अंदर सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन का दैट इज अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड के बीच का रिएक्शन ठीक है इस इन दिस एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स ओके हालांकि काफ़ी जगह आप इंटरनेट पे भी देखो ना तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज़ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आर गोइंग टू स्टडी इनको भी ना एंडोथर्मिक रिएक्शन ही कह देते हैं But I think endothermic reaction is only one reaction which is given in your NCRT. Decomposition reactions are different types of reactions. What are they? Let's see, see now. Reactions in which a single reactant, a Sir reactant, breaks down with the help of heat or electricity or light into simpler products are called decomposition reactions. गर्मी यानी हीट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की हेल्प से लाइट यानी रोशनी की हेल्प से अगर आप एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़कर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो तो ऐसे रिएक्शंस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं देखो नाम से ही पता लग रहा है डी करना डीकम्पोज हो जाना टूट जाना एक रिएक्टेंट का टूट जाना काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर डीकम्पोज हो जाना इसलिए इसका नाम पड़ा डी रिएक्शन सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडो एनर्जी का अब्जॉर्ब हो जाना एक्जो रिएक्शन एग्जो एनर्जी का रिलीज़ हो जाना ठीक है सिमिलरली नाम से ही आप याद रखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो रिएक्टेंट्स का कंबाइन कर जाना एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम दे दिया है ना तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना ये फर्दर काफी सारी टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं पहली टाइप इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ डिकम्पोजिशन अगर होती है तो सिर्फ और सिर्फ हीट की हेल्प से होती है इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं इन्वॉल्व होती है कोई लाइट इन्वॉल्व मैंने अभी ऊपर बताया ना तीन तरीके से आप डीकम्पोज कर सकते हो बच्चों हीट से इलेक्ट्रिसिटी से और लाइट से और यही तीनों अलग अलग ज़रिए यूज़ करने की वजह से अलग अलग टाइप्स बन जा रही हैं पहली टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल मतलब हीट थर्मल मतलब हीट जब हीट से आप डिकम्पोज करते हो तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं पहला एग्जाम्पल है आयरन सल्फेट एफ ई एस ओ फोर एक सिंगल रिएक्टेंट इज गेटिंग डीकम्पोज इन टू सेवरल प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ हीट प्रोडक्ट क्या बन रहा है फेरिक ऑक्साइड बन रहा है जिसका फॉर्मूला इज एफ ई टू ओ थ्री साथ में दो गैसेज भी बन रही हैं कौन सी दो गैसेज हैं सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज द फॉर्मूला एस ओ टू एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला एस ओ थ्री चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं सी थ्री कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइम स्टोन जब इसको हीट किया जाता है तब हमारे पास क्या बन जाता है क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओके थर्ड एग्जाम्पल देखिए लेड नाइट्रेट पी बी एन ओ थ्री होल्ड ट्वाइस को जब हीट किया जाता है हमारे पास क्या बन जाता है लेड ऑक्साइड बन जाता है दैट इज पी बी ओ साथ में एनओ टू गैस रिलीज हो जाती है ओ टू गैस भी रिलीज हो जाती है तो इन सभी में एक ही सिंगल रिएक्टेंट इज गेटिंग डिकम्पोज टू फॉर्म सेवरल प्रोडक्ट्स देख हो आप सामने सामने क्लियर है है ना टाइप टू देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी है ना वर्ड से पहचानो वर्ड से याद करो रट्टा नहीं करना हमने में समझना है तो एक ही एग्जाम्पल है आपके एनसीआरटी के अंदर गिवन दैट इज जब पानी के अंदर बिजली पास कराई जाती है तो वाटर गेट्स डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ठीक है आपकी एग्जाम एन सी आर टी के अंदर एक, एक एन सी आर टी में एक ये एक्टिविटी की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है ये वाला एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर आप यहाँ पे एक देख सकते हो बीकर है यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं देखो एक एनोड है एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आप देख रहे हो यहाँ पे एक कैथोड है ये ब्लैक वाला ये कैथोड है लेबल्ड भी हुआ हुआ, हुआ है देखो कैथोड मीन्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब है लेटर दिस इस टेस्ट ट्यूब नंबर ए एंड कैथोड के ऊपर एक और टेस्ट ट्यूब है लेटर इट इस टेस्ट ट्यूब नंबर बी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है इस पानी के अंदर से तब आप यहाँ पे देखते हो कुछ बबल्स रिलीज हो रहे हैं एंड कुछ गैप आ गया है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर और आप ये भी देख सकते हो कि टेस्ट ट्यूब नंबर बी में गैप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब नंबर वन में अब इन्हीं एक्टिविटी पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन बोर्ड्स पूछता है और वो सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिस्ट कर दिए हैं इससे बाहर नहीं आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ए नोड यानी ये वाली टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर एनोड है वहाँ पे कौन सी गैस ये जो आप देख रहे हो किस किस गैस के बबल्स इकट्ठे हो गए हैं या कहो स्पेस बन गई है कौन सी गैस यहाँ पे कलेक्ट हो गई है ऑक्सीजन गैस इस धान से तो याद रखना है वो वाली टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर एनोड प्रेजेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो गई है एंड जो नेक्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर कैथोड है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है ये वाले जो स्पेस है ना इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी पड़ी है इसलिए स्पेस बन गई है ठीक है और ये बबल्स किसके हैं ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के हैं यहाँ पे एनोड वाली टेस्ट ट्यूब में ये किसके बबल्स हैं ऑक्सीजन गैस के बबल्स हैं ठीक है, है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ आपको पता है एक्टिविटी में ये बताया गया है कि ना पानी के अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड की जाती है अब क्वेश्चन बोर्ड ये ये पूछते हैं आपसे कि क्यों डाला जा रहा है इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड तो आप आंसर क्या लिखोगे टू मेक द वॉटर एन इलेक्ट्रोलाइट वॉट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस बना दिया जाता है पानी को ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके ठीक है टू मेक द वॉटर इलेक्ट्रोलाइट सो दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके इसीलिए डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है पानी के अंदर बिफोर पासिंग द करंट पहले पानी को इलेक्ट्रोलाइट बना तो दो तभी तो एक्टिविटी हो पाएगी ना सही ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर जो कि मैंने आपको बताया देखो एनोड वाली टेस्ट ट्यूब में जो गैस है हमें अभी पता है ना कौन सी है ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस की जो वॉल्यूम है एंड जो हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम है ध्यान से देखो हाइड्रोजन गैस नियरली डबल है ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम के ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम सिर्फ इतनी है लेकिन हाइड्रोजन की देखो वन मतलब नियरली टू टाइम्स है जितनी ऑक्सीजन की वॉल्यूम है ऐसा क्यों है द आंसर इज बिकॉज इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक् का फॉर्मूला क्या होता है एच टू ओ होता है ना वाटर के अंदर कौन से दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसीलिए इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द रेशो टू इज टू वन टू इज टू वन देखो एच टू ओ एच के कितने एटम्स हुए दो ऑक्सीजन का कितना एटम हुआ वन इसीलिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द रेशो टू इज़ टू वन दैट इज़ द रीजन वाई द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस दिस लाइन हैज़ टू बी वेरी मच क्लियर अगर उन्होंने पूछ लिया किस गैस की किस गैस से वॉल्यूम डबल है हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस से नियरली डबल होती है ठीक है यानी ऑक्सीजन गैस ज़्यादा है एंड ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन गैस ज़्यादा है ऑक्सीजन गैस कम है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस आपको क्या बात समझ में आई अब अगर उन्होंने पूछ लिया जिस जिस गैस की वॉल्यूम ज्यादा है ऑब्वियसली वी नो हाइड्रोजन गैस है वो हाउ कैन इट बी एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड हम एक्सपेरिमेंटली कैसे पता लगा सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है वेरी सिंपल आपने जूनियर क्लासेज में अपना पढ़ा ही है कि जब एक बर्निंग मैथ्सटिक या एक बर्निंग कैंडल को उस गैस पास के पास लेके जाया जाता है तो एक पॉप साउंड आती है द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड वो पॉप साउंड ही इंडिकेट करती है कि अच्छा हाइड्रोजन गैस बन गई है इसका मतलब तो अगर हमें नहीं भी पता हम ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सकते हैं कि एक वो पक्का से हाइड्रोजन गैस है ठीक है थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जब आप डीकम्पोज करते हो सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट को दो ही एग्जांपल्स गिवन है एनसीईआरटी के अंदर नंबर वन इज एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना देता है सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इज रिलीज सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड एजी स्टैंड फॉर सिल्वर बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन गैस बनाने में अच्छा अब ये जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं इनके एप्लीकेशन कहाँ पे ये रिएक्शन यूज़ होते हैं सो द आंसर इज दे आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इतनी बारी बोर्ड ने क्वेश्चन जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब बोर्ड ने पूछा हुआ है बच्चों इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे नहीं मैं कुछ भी मिस कर रहा सब कुछ कवर हो रहा है ओके डो नॉट वरी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये दो रिएक्शन यूज़ किए जाते हैं आपको क्या समझ में आ ठीक है अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि हाँ आप सोच रहे हो अगर आपने एनसीआरटी पढ़ी है कि एनसीआरटी के अंदर तो इन सब के कलर्स वगैरह भी लिखे हैं सर ने तो बताया ही नहीं कलर्स की एक सेपरेट स्पेशल वीडियो आएगी जिसके तो अंदर मैं सारी रिएक्शन जितने भी हैं ना एनसीआर के अंदर और जो जो कलर्स मैंशन है एन के अंदर वो सारे आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर से कि ये कौन से कलर का है और ये कहाँ से किस में कन्वर्ट हो गया कौन से, कौन से कौन से कलर में बन गया वो सब पता लगेगा आपको डो नॉट वरी सब कवर होगा मतलब होगा नेक्स्ट इज डिसमेंट रिएक्शन वट आर ऐसे इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एग्जाम्पल देखो आयरन एफ ई स्टैंड फॉर आयरन आयरन का सिंबल होता है एफ ई नाइन्थ क्लास में पढ़ा है ना आयरन जब सी यू एस ओ फोर यानी कॉपर सल्फेट आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या बना दे रहा है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर यानी आयरन बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस कॉपर विच इज द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट इज द सॉल्ट सोल्यूशन यानी आयरन जो कि ज्यादा रिएक्टिव है उसने कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट यानी कॉपर को देखो डिस्प्लेस कर दिया देखो अब कॉपर की जगह प्रोडक्ट साइड में क्या आ गया आयरन आ गया ना यानी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया प्रोडक्ट बनाने वाले टाइम पे है ना और कॉपर बिल्कुल ही अलग होके साइड पे आ गया ठीक है ये आपके या एक्टिविटी भी दिखाई हुई है कि जिसके अंदर आप आयरन की जगह आयरन नेल्स ले रहे हो और आयरन नेल्स को डिप कर रहे हो कॉपर सल्फेट सल्यूशन के अंदर तब आप फाइनली ऑब्जर्वेशन क्या देखते हो आयरन नेल का जो पहले कलर सिल्वर सा था सिल्वर ग्रे था अब क्या कलर हो गया रेडिश ब्राउन हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है ना वो कॉपर का कलर चढ़ गया आयरन नेल के ऊपर बिकॉज देख लो ना साइड पे अकेले से कॉपर बन रहा है यही कॉपर तो चढ़ा है आयरन नेल के ऊपर ठीक है और कॉपर सल्फेट का कलर जो कि पहले ब्लू था ये ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो गया ग्रीन में लाइट ग्रीन में बिकॉज आयरन सल्फेट बना ना आयरन सल्फेट का कलर लाइट ग्रीन होता है ये सब कलर वलर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अभी बस आप रिएक्शंस को समझो अच्छा दो और एग्जांपल्स है एनसीईआरटी के अंदर कौन से जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करे तब क्या बना रहा है डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से सिमिलरली लेड लेड भी जब कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है तब लेड भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है उसके सॉल्ट सोल्यूशन कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन से और क्या बना दे रहा है लेड क्लोराइड बात समझ में आई अब फाइनली हम आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस रिएक्शंस इन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपको बात समझ में एग्जाम्पल से समझेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की दो तरह की कैटेगरीज होती है नंबर वन टाइप इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चे ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बना देते हैं ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं यहाँ पे बेस क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये आपस में दोनों रिएक्ट कर रहे हैं क्या बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड दैट इज अ नमक नमक खाते हो ना खाने में दैट इज़ सोडियम क्लोराइड साथ में पानी बन बन रहा है ना तो अब ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है बिकॉज आप ध्यान से देखो पहले एन यानी सोडियम ओ OH के साथ था एच के साथ था रिएक्शन कंप्लीट होने पर एन आ गया सी के साथ जुड़ के एन बना गया एंड एच जुड़ गया OH के साथ और एच बना थी. यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं आयंस का एन ए प्लस आयन सी एल माइनस आयन के साथ जुड़ के एन Na, एन ए सी एल बना दिया एंड एच प्लस आयन ओ एच माइनस आयन के साथ मिलके के एच टू ओ बना दिया देखो एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट्स हो रहा yes. है यस ठीक है नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर एक इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है इन द प्रोडक्ट साइड दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट उस इनसॉल्यूबल सॉलिड को कहा जाता है प्रेसिपिटेट जो कि पानी के अंदर तैरता रहता है घुलता नहीं है एग्जाम्पल गिवन है सोडियम सल्फ़ेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बना देता है बेरियम सल्फ़ेट और सोडियम क्लोराइड आपको ये नाम भी पता होने चाहिए इनके फॉर्मूला भी पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशन लिखनी भी आनी चाहिए प्लीज़ प्रैक्टिस करो और हाँ ये सारी केमिकल इक्वेशंस जो भी है एनसीईआरटी से ही मैंने लिए हैं इसलिए यहाँ पे ना कोफिशियंस लिखे हैं दीज आर ऑल बैलेंस्ड आपको जब तक क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपको बैलेंस करना है तब तक आपको बैलेंस नहीं करना आप सिंपल भी लिख दो ये टू वो आगे ना लगाओ तो तो भी चलेगा ये बैलेंस करने के लिए कोफिशंस जैसे टू वगैरह लिखा हुआ है ठीक है एक और रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी की फॉर्म में जिसके अंदर लेड नाइट्रेट को जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है तब क्या बन जाता है लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट इसके अंदर भी ये टू और टू जब तक क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा गया है कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो या बैलेंस्ड एग्जाम्पल देना तो आपको बैलेंस्ड एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है आप अनबैलेंस्ड भी दे सकते हो आप स्केलेटल इक्वेशन भी लिख सकते हो आंसर्स में ठीक है ओके सो वी कंप्लीट दिस टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोरोजन एंड रैंसिडिटी एंड देन नेक्स्ट क्लास में वील कंप्लीट द चैप्टर लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा है एक और लेक्चर में डालूंगा जिसके अंदर मैं आपको कलर्स बताऊंगा हर एक चीजों के कैसे कैसे कन्वर्जन हो रही है एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस एन सी एज वेल तो वो भी आएंगे चैनल पर इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर देना बच्चों वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग students all the very best for your boards rocket